क्या हुआ, आपको नहीं दी मम्मा ने रोटी? मैं नहीं बोलती हूँ यार, ऐसे मुझे सारी क्यों बोलती है? तनु लेटे है, तनु ने बोला जल्दी जल्दी वीडियो बना दे। तो तुझे क्या लगता मैं नहीं डालूंगी? ये कंटेंट है मेरा भाई। वो प्लान बन भी गया, गुड़ा को भी पूछ लिया, हिना को भी पूछ लिया, और वो प्लान सही बन हिना पहुंच गई ना उसके लिए खप डाल। आपका कोई दुख नहीं होगा, ये शादी होगी। Hey everyone, how are you all? Hope you all are fine. This is Tanvi Sharma and welcome back to another video. तो आज है हमारे घर में गुनु आई है, ठीक है। तो घर पे आई है वो, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वो खुद ही घर पे नहीं थी जब गुनु घर पे आई थी, तो मैं भी कल ही घर पे आई हूँ। और बीच के जितने भी व्लॉग्स थे मैंने बनाए नहीं है, तो मैं आज घर पे आई हूँ। मैं आपको गुनु से मिलाती हूँ, मैं उससे मिलने ही आई थी वैसे, तो मैं उससे भी आपको मिलाती हूँ। और फिर चलो कहते हैं इस दिन की शुरुआत। पता रहा नहीं कहना लेके जय माता दी। फिलहाल वो वहाँ पे सोई हुई है, तो अभी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और एक लड़का यहाँ पे सोया हुआ, इसने मेरे को मतलब देखो मैं टांगे नहीं बिछा सकती हूँ पूरी, इसकी वजह से मेरे पाँव में सो जाता है यार। फिर मुझे फोल्ड करके सोना, फिर वो ठीक से नहीं सोना पड़ता था। अभी भी देखना डीठ है इतना, उठेगा नहीं। अरे उठना उठना, अरे उठ जा प्लीज़, मेरे पाँव आ रहे बीच। उठ जा यार, नहीं उठा। बाकी चलो किचन में चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह सुबह मम्मी के बर्तनों की आवाज़ ने मुझे उठा दिया। कोई फर्क ही नहीं इसको, क्या कर रही है इसके साथ, क्या नहीं। सुबह वाली चाय में कुमन की, और ये क्या लेके आ रही है? इधर देखना, और यो इधर इधर। तो दादी मेरे घर पे नहीं है इसलिए बेड आपको खाली दिख रहा है। और अभी देखो इतने बज रहे हैं और मेरे घर पे कोई भी नहीं उठा मम्मी को छोड़ कर। यार मैं करने लगी अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में है भिंडी। जब भी मैं घर पे आती हूँ तो मम्मा को बोलती हूँ मेरे लिए भिंडी बना रहा, क्योंकि मुझे खट्टी भिंडी बड़ी अच्छी लगती है। और देख लो कैसे बनाते हो, भगवान का वेट करती थोड़ा सा जब तक बनते हैं, फिर खाते हैं। और फिर कहीं जाऊंगी यार आज मैं, मेरा मन कर रहा बाहर घूमने का ना। गुन्नू को भी घुमाती हूँ, खुद भी घूमती हूँ, और गुन्नू से मिलाती भी हूँ आपको। वैसे वो सोई हुई है, मैं कैसे मिलाऊँ यार आपको? सो के उठती है फिर मिलाती हूँ सबसे। देखो दवाई कैसे खाता है, बस खा गया। इसको बड़ी आसान है दवाई खिलाना, बस पिलाने वाले में होता है इंजेक्शन कैसे डाले इसके मुंह में ना, बाकी तो ठीक है ये खा लेता है आराम से। इसने तो खा लिया सुबह के, एक और ये खा रहा है। इसको मम्मा आ रही है, ये आ रहा है, इसको खाने नहीं देनी इसने। क्या हुआ क्या हुआ, आपको नहीं दी मम्मा ने रोटी? बैठ गया अपने जहाँ पे इसकी सामान पड़ा खाने वाला। ये ओरियो और तनु लेटे है, तनु ने बोला जल्दी जल्दी वीडियो बना दे। और ये ओरियो देखो कैसे देख रहा है, उसको दिख रहा है वीडियो बन रही है। सो इसको पसंद नहीं है हरकतें कि जब ये चीज़ें चल रही हो तो वीडियो ना बने। बेहतर घर की बातें घर में रहे, पर आपकी तनवी को सब दिखाना है। ओरियो के रिएक्शन से आप देख सकते हैं, है ना ओरियो, सही बोल रही हूँ ना यार? ओरियो के बाल देखना कितने ज़्यादा लगते हैं। ओरियो काफ़ी ज़्यादा नाराज लग रहा है क्योंकि कैमरा ऑन कर दिया है, वरना वो अच्छे से लेटा था बेचारा। इस लड़की को इसके पाँव दिखाऊंगी मैं, उसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। डाल नहीं पाएगी। तुझे क्या लगता है ये बोरे में गंद गंदी हरकत करूँ ताकि तू व्लॉग में डाल पा? तुझे क्या लगता है मैं नहीं डालूंगी? ये कंटेंट है मेरा भाई, मैं यही सब डालूंगी। और कर क्या कर रही थी पाँव से मम्मा? फिर से बोले मम्मा जी मम्मा को अपने काम से मतलब है। तू कोशिश हो गया अभिषेक को लेके, क्या सो के उठ के आया वो तो हाँ मेरी शक्ल नहीं दिखी तेरे को सो के उठ के आने वाली है। तुझे मैं जितना गंदा दिखाना चाहूँ मैं उतना गंदा दिखा सकती हूँ। क्या कर रहा है तू? है ना पाउंड ही ना इसके, बस
इससे बैठना पाँव में ही है ताकि मैं इसे ऐसे नहीं रख सकूँ पाँव. देखो क्या देख रहे थे दान दिखा ना चीज खाना अपना कितने से अभी ना बैठे बैठे एक ऐसा प्लान बना जो आपको प्लान मैं अभी रिवील नहीं करूँगी क्या है बट आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा वो प्लान क्या है. मतलब बस बैठे ही थे गुंडों मैंने बात की वो प्लान बन भी गया. गुड़ा को भी पूछ लिया हिना को भी पूछ लिया और वो प्लान सही बन जाए बस. और फिर अभी बस पैकिंग करनी है उस चीज़ के लिए. मतलब हम कहीं जा रहे हैं वो नहीं बताऊँगे मैं कहाँ जा रहे हैं बट कहीं तो जा रहे हैं. बट अभी फ़िलहाल मतलब मेरी जो बस है वो है 9:30 की और मेरी नहीं मतलब मैं गुन्नू और गुड़िया यहाँ से निकलेंगे. हिना ऑलरेडी वहाँ पे है फिर उधर से आगे जहाँ हमने जाना वहाँ से हिना के साथ जाएंगे. और अभी फ़िलहाल हम जाएंगे कुछ खाने पीने क्योंकि मेरे को भूख लग रही है और बाकी पैकिंग वैकिंग इतना कुछ करना नहीं है. वहीं से खरीदेंगे जो भी खरीदेंगे क्योंकि थोड़ा सा ट्रेडिशनल डालना है. जितना भी इतने ट्रेडिशनल कपड़े मेरे पास पड़े नहीं है और मैं सारे कपड़े अपने चंडीगढ़ छोड़ के आई हूँ. यहाँ पर मैं थोड़े दिन के लिए आई थी बस मेरे पास ट्राउजर्स ही पड़े हैं यहाँ पे भी वो गंदे थे. मैं सोचता था धोने के लिए घर ले आती हूँ इससे भी मिलना था इससे कुछ भी कपड़े ने लेके आए मुझे नहीं पता था ऐसा कोई प्लान बनेगा और बन चुका है. वो प्लान आपको अगली वीडियो में पता चलेगा. और फिलहाल गुन्नू बैठी हुई है और मैं अभी पैकिंग वगैरह करने लगी हूँ. मैंने पैकिंग के नाम पे बस ये 3-4 ये सूट्स पड़े थे मेरे पास मैंने बस ये लिया हुआ है और मम्मी बाकी 1-2 प्रेस कर रही है. फिर ट्रेन का पता किया था क्योंकि ऑन दी स्पॉट कोई भी ट्रेन नहीं हो रही है वहाँ के लिए और तत्काल भी चेक किया तत्काल भी नहीं हो रही है. और अभी मेरे को लेकिन जाना ही जाना है. गुड़िया ने भी ऑफिस की 3 दिन की छुट्टियाँ पहले से लेके रखी थी मतलब अब ऐसा हो गया कि अब तो जाना ही जाना तो हम फिर निकल रहे हैं. आज का व्लॉग तो आपको घर का ही दिखाऊंगी पूरा से पैकिंग वैकिंग ये कुछ भी नहीं दिखाऊंगी आपको उसी व्लॉग में दिखेगा जब हम जा रहे होंगे. शीशा आज भी गंदा तो रुको यार मैं गुन्नू से भी मिला दूँ. मैंने आपको मिलाया नहीं ये लो इस बांदरी से मिल लो. इसी का प्लान था वैसे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने का. इसने बस बोला मैंने टिकट चेक की और अब मैं आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट तो नहीं कर रही हूँ बोल बोल के कि हम कहीं जा रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं और कहीं तो जा रहे हैं. यार घर पे आके मोटे ना आ जाओ. मतलब ये घर पे आई थी मैंने उसको पूछा घर क्यों आ रही करती मोटी होने. फिर मैंने इसको बोला चंडीगढ़ चल मेरे साथ. फिर हमने प्लान बनाया था कि हम संडे को चंडीगढ़ जाएंगे बट अभी तो प्लान चेंज ही हो गया. आपको ना आने वाले व्लॉग बहुत सही से लगेंगे मतलब उम्मीद तो करती हूँ मैं उन व्लॉग्स को अच्छा बनाऊँ काफ़ी अच्छा बनाऊँ क्योंकि हम 4 लड़कियाँ होने वाली है साथ में और 4 लड़कियाँ तेल जैसा क्यों है. और अगर 4 लड़कियाँ साथ में हो तो हंगामा तो होता ही है और वो भी हमारे नहीं मतलब हंगामा मतलब बातचीत का मतलब कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है मतलब वैसे बोला अगर 4 लड़कियों का साथ हो तो खप तो डलेगी ना इसलिए. और इस ऐसी लड़की साथ हो तो फिर तो डलेगी ऐसी क्यों करते हो आप ऐसे बोलती है. नहीं यार ऐसी क्यों है बोलती थी ऐसे ही बोलती नहीं मैं नहीं बोलती हूँ यार ऐसे मुझे सारी क्यों बोलती है ऐसे बोलती है. अभी मैं एक बंदे को फोन करके पता पूछवा सकती हूँ वो भी यही बोलेगा. मैं बोलूंगी ना गुन्नू हाँ अगर मैं पूछूंगी ना कि यार गुन्नू कैसे बोल रही है वो बोलेगी नहीं यार ऐसे क्यों करूँ. अच्छा उन बंदों के सामने मैं ऐसे बात करूँ करो फोन करो उन बंदों से मैंने चलो अभी टेस्ट कर लेते हैं मैं फोन कर लेती हूँ ठीक है एक मिनट रुकना. प्री प्लान तो नहीं है मैंने अभी फोन किया आपके सामने मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया. फोन उठाने आए फोन जब उठेगा या फिर कॉल बैक आएगा तब सुना दूंगी बाद में करती हूँ. और बोल लो थोड़ा सा चाची थे मुंह क्या छुपा रहा है बोलना क्या बोल रहा था. आपका कोई दुख नहीं होगा या शादी होगी क्यों आप ऐसे ही बाहर रहते हैं प्रैक्टिस होगी पहले गुन्नू का मजाक तो उड़ाना था बट उन्होंने कॉल बैक ही नहीं किया अभी तक और हम लेट हो रहे थे. हाँ अरे चलो इधर आओ कितना प्यार है अभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी
चलो जाओ आप मम्मा पास। तो यार अभी गुनू का मजाक बनाने का टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ अपना हेड वॉश कराने क्योंकि फिर निकलना ना 9:30 बजे, तो उधर पहुँच के कौन अभी सर वर्द होएगा, तो मैं सोच रही हूँ आधी जल्द आती हूँ। मैं जा रही हूँ मम्मा। हाँ इधर पालो मैं, और ये चलो अंदर, मैं अभी हेड वॉश करा लेती हूँ और कोई काम भी नहीं वैसे, पैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं करनी है वैसे, 3 दिन के लिए जाना, देख लेंगे उधर से कुछ। और गुड़िया भी पार्लर में बैठ के रुको, मिलाती हूँ उससे भी। आपको यार टाइम देखना, हमने निकलना कोई 9:30 बजे और इस मैडम को मोमोज खाने हैं, तो हम पहले मोमोज खाने जाएंगे। मैडम क्या बोल रही है इसमें आप? बड़ी तूने मेरी मैडम वाली कीरी कर दी मैडम। क्या अच्छा बाद में बताओगे? मैंने बाल धोए हैं यार। ये क्या तरीका, मतलब यार ये बाल कैसे लग रहे हैं, ये तरीका क्या है करने का? ये बड़ा शैम्पू लग रही है, बड़ा काम नहीं, मेरे इतना बड़ा मुंकू लग रहा है, क्या ऐसे कर ऐसे बराबर ये रखो, इतना सा मुंह है मेरा।